कि जैसे ही टीम अनाउंस होती है, रिंकू सिंह का नाम आता है, हम इस तरह जश्न करेंगे, बच्चों मिठाई बांटेंगे, पटाखे जलाएंगे, कोई ना कोई सर्कमस्टांस बनेगा जिससे कि रिंकू सिंह का टीम में नाम आएगा, ये हमें इतना बिलीव तो है। उम्मीद तो यही थी भैया का नाम आएगा टीम में, पर आया नहीं कोई। नहीं हो पाया, कोई रिजर्व में है, रिजर्व में बहुत बड़ी बात है, इंडिया में बंदा हजारों खिलाड़ी, उसके बाद रिजर्व में उसका हुआ है। क्रिकेट के लिए आज T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 लोगों की टीम का चयन हो चुका है। अलीगढ़ के फिलहाल मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ रिंकू सिंह, आज रिंकू सिंह जो बने हैं वो इस स्टेडियम से बने हैं। ये स्टेडियम पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो युवा हैं जो अलीगढ़ के रिंकू सिंह के नाम से जो स्टेडियम बनाया गया है, यहाँ स्टेडियम से, इसी स्टेडियम से अलीगढ़ के रिंकू सिंह ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, करियर की शुरुआत की थी, और आज रिंकू सिंह देश और दुनिया के उभरते हुए सितारे बन चुके हैं। फिलहाल मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो रिंकू सिंह के स्टेडियम में जो युवा हैं प्रैक्टिस करते हैं, और यह प्रैक्टिस करने के बाद लगातार जो आगे हो सकता है कि इनमें से ही कोई फिर एक बार रिंकू सिंह बनेगा, तो वो लोग फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं, और यहाँ के जो कोच हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं कि आखिरकार आज जो टीम में चयन हुआ है, लेकिन रिंकू सिंह T20 वर्ल्ड कप में रिंकू को जगह नहीं मिल पाई है, क्या कारण है? यहाँ साफ तौर पर मायूसी देखी जा रही है। बहुत से यहाँ जो छात्र हैं या स्टूडेंट्स हैं, लोगों ने बहुत उम्मीदें लगाई रखी थी कि रिंकू सिंह का कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, लेकिन रिंकू को कहीं ना कहीं रिजर्व में रखा गया है। देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार रिंकू खेल पाएंगे या नहीं, लेकिन फिलहाल बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये कोच हैं, क्या नाम है आपका? नितिन धवन नाम मेरा। नितिन जी, क्या कहेंगे आज जिस तरह से आपके स्टूडेंट्स हैं, रिंकू इस स्टेडियम से निकले और आज देश और दुनिया में रिंकू बड़ा नाम कर चुके हैं अपने आप में, लेकिन कैसी उम्मीदें ज़्यादा रखी थी रिंकू का नाम सिलेक्शन को लेकर, क्या हो पाया है, क्या ऐसी उम्मीदें थी? बिल्कुल बुरा तो लग रहा है कि हम तो ये सोच रहे थे जिस हिसाब से लास्ट मैचेस में परफॉर्मेंस रहा रिंकू का कि वो टीम में खेलेंगे और इंडिया को इस बार वर्ल्ड कप भी जितवाते, हम तो यही उम्मीद लगा के सोच के चल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली कि जो टीम ने जो सिलेक्शन करा है उसमें रिंकू सिंह को रिजर्व प्लेयर रखा गया है, और बुरा लग रहा है हमें, बट हम फिर भी प्रेयर करेंगे कि शायद कोई ऐसी एक सर्कमस्टांस बने जिसमें रिंकू सिंह वापस टीम में आ सके किसी ना किसी तरीके से, बस अब फिलहाल तो यही सोच रहे हैं हम। किस तरह की उम्मीदें बनाए रखी थी कि रिंकू का सिलेक्शन होगा, इस स्टेडियम में किस तरह के जश्न होंगे, बच्चों में क्या खुशी होगी, किस तरह की उम्मीद? बिल्कुल बिल्कुल, पिछले एक दो दिन से यही दिमाग में चल रहा था, और हमारे फकीरा जी हैं और हमारे जो रिंकू सिंह की जो फैमिली है, जो उनके ब्रदर हैं, उनसे ये बात हुई थी कि जैसे ही टीम अनाउंस होती है, रिंकू सिंह का नाम आता है, हम इस तरह जश्न करेंगे, बच्चों मिठाई बांटेंगे, पटाखे जलाएंगे, इस तरह से हमारे वो सब चीज़ था, बट ये चीज़ हो नहीं पाई है, बट हम फिर भी फील कर रहे हैं कि शायद ये चीज़ हमें मौका दे कि रिंकू का नाम हमें जल्दी वापस टीम में मिले। अच्छा, भले ही रिंकू का चयन नहीं हो पाया लेकिन रिजर्व में रखा गया, क्या उम्मीद है, चताते हैं? हाँ, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव रहे हम कि ठीक है, और शायद कोई ना कोई सर्कमस्टांस बनेगा जिससे कि रिंकू सिंह का टीम में नाम आएगा, ये हमें इतना बिलीव तो है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ प्लेयर को इंजरी होती है या कुछ और प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से दूसरा प्लेयर को जगह दी जाएगी। देखिए, रिंकू सिंह के जो स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले युवा हैं वो स्टूडेंट्स भी मेरे साथ मौजूद हैं, ये बताइए क्या नाम है आपका? शिवा चौधरी। तो शिवा, कहाँ से आते हैं यहाँ प्रैक्टिस करने आप? मैं अतरौली से आता हूँ। दिल्ली आते हैं? नहीं, इधर ही रह रहा हूँ अभी फिलहाल तो, यहाँ के लिए। अच्छा, रिंकू से लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई थी? मेरी जब भैया IPL में खेलने गए थे उससे पहले हुई थी। अच्छा, आज T20 टीम का जो है चयन हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं रिंकू सिंह का नाम टीम में तो नहीं आ पाया, रिजर्व में रिंकू को रखा गया है, किस तरह की उम्मीदें थी, क्या सोचे बैठी थी? उम्मीद तो थी भैया का टीम में नाम आएगा, पर हुआ नहीं नाम, इससे थोड़ा दुख है। किस तरह की उम्मीदें लगाई रखी थी? उम्मीद तो यही थी भैया का नाम आएगा टीम में, पर आया नहीं कोई। नहीं आया? हाँ। किस तरह की तैयारी कर रखी थी कि रिंकू का नाम आएगा तो जश्न होगा, या क्या, किस तरह का माहौल रखा? हाँ, इधर जश्न तो होता, भैया का नाम आता तो टीम में पटाखे फटाखे और मिठाइयाँ भी बढ़ती और ऐसे ही होता। अच्छा, और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, ये बताइए कहाँ से आते हैं बेटा खेलने? एटा चुंगी से आते हैं। अच्छा, तो प्रैक्टिस यहीं करते हैं? यहीं करते हैं प्रैक्टिस। अच्छा, ये बताइए कि आज T20 टीम का जो है गठन किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं रिंकू का नाम नहीं है, कैसी उम्मीदें लगाई रखी थी, क्या होगा और नहीं हो पाया है? काफ़ी सारे उम्मीदें थी रिंकू भैया से, पर बट नहीं हो पाया उनका। कभी कभार होता है ऐसा, रन बनाने के बाद भी नहीं होता है, तो अगली बार उम्मीद रखेंगे कि होगा होगा, और पूरी कोशिश रहेगी जो रिजर्व में रखा गया है कि चांस मिले एक आधा मैच में। देखिए, ये तो अलीगढ़ का वो स्टेडियम है जो कि रिंकू सिंह के नाम से चलता है, और रिंकू सिंह के जैसे यहाँ तमाम खिलाड़ी यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं, लेकिन अब मैं अलीगढ़ की आपको उस शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा जो कि आज रिंकू सिंह को रिंकू बनाने वाले हैं, यानी कि अलीगढ़ के अर्जुन सिंह फकीरा जी। ये वो शख्सियत हैं जो कि जब रिंकू
अपने स्ट्रगल के टाइम में थे तो इनके द्वारा रिंकू को पहला बल्ला दिलवाया गया था। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिंकू को इनके द्वारा मुहैया कराई गई थी, और रिंकू सिंह जो आज रिंकू सिंह एक बड़ा नाम बन चुके हैं वो इनकी देन है। तो बातचीत करने के लिए फिलहाल भैया भी मेरे साथ मौजूद हैं। भैया ये बताइए क्या कहेंगे, चूँकि आपसे ज़्यादा रिंकू को बेहतर कोई जानता नहीं, आपने बच्चा देखा है रिंकू, गोद में खिलाया भी है, उसके बाद आज रिंकू सिंह एक शख्सियत बन चुके हैं, आज के दिन के लिए किस तरह की उम्मीदें जताई बैठे थे, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ? उम्मीद तो बहुत ऊंची थी कि जिस दिन विश्वकप में होगा हम जो जम बनाएंगे और ढूल लंगाड़े के साथ जश्न बना दे, उसकी फैमिली भी मुझसे कह रही थी, टच में थे, वो फैमिली भी बहुत मानती है, बड़ा भाई अपने घर के गार्जियन से मानती है, अब तो कोई बात नहीं है, और उससे बड़े बड़े खिलाड़ी थे, अभी नया खिलाड़ी है, उन लोगों को मौका मिला, ऐसे अगली बार मिलेगा, हो सकता है इस बार भी मिल जाए ऐसे। अच्छा, किस तरह की उम्मीदें लगाई रखी थी कि रिंकू का सिलेक्शन होगा, क्योंकि लगातार पिछले टाइम से देखा जा रहा है रिंकू की लगातार जो परफॉर्मेंस है अच्छी निकल के आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मौका नहीं मिल पाया और रिंकू को रिजर्व में रखा गया। कागज तो बहुत भी लगाए जा रहे थे, ये APL चल रहा है हमारा, अलीगढ़ प्रीमियर लीग चल रहा है, ये भी उसने स्पॉन्सर मुझे शेखर सर्राफ ने ही किया है, और बहुत खुशी है, वहाँ से देखता है, लाइव देखता है, बड़ा खुश होता है, कह रहा था कल मेरी बात हुई थी, कह रहा था भैया हो सकता है मेरा उसमें हो जाए, मैं आपको खुशखबरी दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया, कोई रिजर्व में है, रिजर्व में बहुत बड़ी बात है, इंडिया में कहता हजारों खिलाड़ी हैं, उसके बाद रिजर्व में उसका हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है, इसे भी मैं बहुत बड़ा मानता हूँ कि कम से कम रिंकू कारीगढ़ से रिजर्व में तो हुआ। अच्छा, उम्मीद है रिंकू खेल पाएंगे? मुझे तो पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है रिंकू खेल पाएगा। देखिए बिल्कुल उम्मीद लगाए बैठे हैं भैया, आप बताइए किस तरह की उम्मीद है रिंकू के लिए लगाए रखी थी, और चूंकि सिलेक्शन तो नहीं हो पाया, रिंकू को रिजर्व में रखा गया है, तो किस तरह की उम्मीद है? बड़े भाई अर्जुन सिंह वगैरह जी सारी बात कह चुके हैं, उसी बात को पुनः दोहराने की आवश्यकता है, मैं नहीं महसूस करता, मेरा मानना यह है कि हमें भगवान के ऊपर अपना विश्वास रखना चाहिए, और जिस स्टेडियम से रिंकू सिंह निकले हैं और एक बड़ा नाम बन चुके हैं, उसके बाद जब वो वहाँ तक पहुँचे हैं तो हमें अभी भी यही उम्मीद है कि रिजर्व में होने के बावजूद भी भारत की तरफ से, भारत की ओर से वो प्रतिनिधित्व करें अपना, और हमारे अलीगढ़ को नाम रोशन करें, और हम उन्हें खेलते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, बड़े भाई अर्जुन सिंह फकीरा के लिए, और जितने भी हमारे छोटे बड़े यहाँ खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो आप इतनी दूर से यहाँ आकर ये कवरेज ले रहे हैं, और रिंकू सिंह को लिए बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। देखिए ये रिंकू सिंह के अपने वो लोग थे जो कि आज इनकी बदौलत ही रिंकू सिंह बन पाए हैं, यानी कि ये स्टेडियम जो है वही स्टेडियम है जिसकी बदौलत आज रिंकू सिंह बन चुके हैं, यानी कि इस स्टेडियम से निकलने के बाद आज रिंकू ने IPL खेला, देश के लिए क्रिकेट खेला, और अब T20 के लिए कहीं ना कहीं ये लोग उम्मीद जता रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेक्शन ना होने की वजह से यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं या फिर कह सकते हैं कि रिंकू के अपने बड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं मायूसी देखी जा रही है। सीधे तौर पर बात करें तो कहीं ना कहीं मायूसी देखने वाली बात ही थी, लेकिन देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार T20 जो वर्ल्ड कप है कहीं ना कहीं इनको खेल पाएंगे या नहीं, देखने वाली बड़ी बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी वसीम अहमद के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ UP अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ UP को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ UP।